अश्विन जी आदरणीय बैठे, इनके घोषणा पत्र में है कि जो पिछली साल रेट था या जो भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी उसमें 50% बढ़ोतरी करके ये सरकार देगी, और विशेष करके गन्ना धान गेहूं तो आज जो है वो बैठ रहा है 375 रूपए। तो हम समझते हैं जब इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कि हम घोषणा का लागू कर रहे हैं तो गन्ने के समर्थन मूल्य पर घोषणा लागू करें, और बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 महीने गन्ने का सीजन बीत गया अभी भी जो है समर्थन मूल्य नहीं घोषित किया। और एक जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे आदरणीय वाजपेयी जी से, एक रिजेक्ट गन्ना होता है जिसका पिछली साल 240 रूपए था, आज के डेट में रेट न घोषित होने से पूरे प्रदेश में रिजल्ट गन्ने की जो है वो पर्ची नहीं जारी हो रही है, वो किसान 160 से लेकर 180 रुपए प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर हैं, उनकी जो है तबाह हो रही है। इसीलिए हमारी पार्टी ने तय किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कि अगर 10 तारीख तक भाव नहीं घोषित होगा तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर के सड़क पर उतरेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जी वाजपेयी जी, मुन्ना सिंह चौहान जी को सुनकर मुझे लगा कि आपकी पार्टी का घोषणा पत्र भले ही आप यहां ना बता पाए, ये मौका गवा दिया या चूक गए, लेकिन आपकी पार्टी के घोषणा पत्र को मुन्ना सिंह चौहान जी ने जरूर बता दिया। मैंने पूरा याद कर लिया किया, मुन्ना सिंह चौहान विद्वान आदमी है। वाजपेयी जी, कहीं लगता नहीं आपको कि चीजें जो है छिपाने से बीमारी बिगड़ती है, आप यही कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं लगता है, हमारे सामने किसानों को अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उसका निर्वहन कर रहे, लेकिन साथ साथ किसानों के दूरगामी हित भी हमको देखने हैं कि प्रदेश के जो हमारा चीनी उद्योग है वो भी चलता रहे, किसानों का हित, अगर चीनी उद्योग बैठ जाएगा तो किसानों का गन्ना कहाँ जाए, फिर तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर गन्ना मूल्य का निर्धारण बहुत शीघ्र सरकार करेगी, और किसान हमारी प्राथमिकता है, किसानों के हितों के साथ किसी भी तरीके कोई समझौता नहीं होगा। बस ठीक है, चलिए 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 चलिए, घोषणा पत्र का 28वां नंबर जो बिंदु है वो वाजपेयी जी को याद है जो उन्होंने सुनाया इस वक्त। अजय पाल शर्मा हमारे साथ हैं, आप भारतीय किसान यूनियन के नोएडा प्रतिनिधि हैं। अजय पाल शर्मा जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया ही बढ़िया साहब, आप सुनाइए। अच्छा मुझे बताइए, ये जो पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है, टिकैत साहब कहते हैं कि साहब ये तो अब देशव्यापी होगा, अशोक वाजपेयी बैठे हैं समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे लखनऊ स्टूडियोज में, कह रहे हैं सरकार विचार कर रही है लेकिन कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, अब आप क्या कहेंगे? नहीं, कानून किसके लिए बनाया गया? कानून किसानों के लिए बनाया गया क्या? इस कानून के दायरे में कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं आती हैं क्या? किसानों के लिए सब कानून बने हुए हैं क्या? किसानों के लिए सब कायदे कानून है और किसी के लिए कायदे कानून नहीं है क्या? बताइए, किसान क्या करे, कहाँ जाए किसान? हर चीज के घाटे, हर फसल के घाटे, उनका नुकसान, वैसे सब पार्टियां कहती हैं ये किसान, ये किसान वो, किसान ये किसान वो, लेकिन किसानों के बारे में किसी न किसी कोई ऐसी पार्टी सोच रही है? सब दिखाने के लिए सोच रही है। अच्छा आगे, अजय भाई अब आगे क्या रणनीति है, क्या करेंगे और कब करेंगे? डीएनडी पर कब्जा कब करेंगे? तो डीएनडी पे है पहुंचने को, हम बंद जाम तोड़ लगा रहे हैं, किसी को रोक तोड़ रहे हैं, कहीं कोई अराजकता थोड़ी फैला रहे हैं। टोल फ्री है जो सरकारों के मामले हैं, अभी डीएनडी पे सरकार को क्या परेशानी, डीएनडी फ्री करा देंगे, सरकार को क्या परेशानी है? क्या लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा? वहाँ जाम लगता है 3-3 किलोमीटर, अगर टोल वसूला जाता है जाम फ्री हो जाएंगे, क्या परेशानी सरकार को, क्या परेशानी है बताइए? जो टोल अब से पहले टोल भी 400 करोड़ लगा के है, जिस पैसे अब तक 15,000 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, कि कमाई नहीं है, वो कमाई कहाँ जा रही है? डीएनडी अगर फ्री हो जाएगा तो इसमें परेशानी क्या है बताइए? नहीं, ये बताइए डीएनडी को यूज कितने दिन में कितने किसान करते हैं और कितने गैर किसान लोग करते हैं? देखिए आपकी जो मांग है वो मांग उन क्षेत्रों में जायज हो सकती है जहां से वाकई किसानों का आवागमन बहुत ज्यादा बारंबारता में हो, फ्रीक्वेंटली हो, लेकिन जो मेरी जानकारी है रजनीगंधा से लेकर और दिल्ली तक महारानी बाग तक जाने में जो डीएनडी का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं या सराय काले गांव की तरफ जाने वाले जो लोग हैं उनमें किसान गिने चुने होते हैं। आज तक मुझे डीएनडी पर कोई भी गन्ने लदी गाड़ी या गोभी लदा ट्रैक्टर अगर दिखा भी है तो वो दिन में एक या दो ट्रैक्टर दिखा है। ऐसा नहीं, तो वहां पर आप ये करके
क्या आप अपनी राजनीतिक दुकान चमकाना चाहते हैं? नहीं, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ। हमें तो केवल सरकारों का ये है, सरकारों तक अपना संदेश पहुंचाना है। हाँ। हमारी कोई राजनीतिक वो नहीं है कि राजनीतिक इच्छा है या महत्वाकांक्षा है कोई। अजय भाई कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ऐसे हरकतें करके ऐसा दबाव डाल के हथेली गर्म करना चाहते हैं अपनी। नहीं, आरोप लग रहे हैं, ये मेरे आरोप नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अलग अलग लगा रहे हैं। हमें राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी, ना राजनीति हमें किसी वोट के लिए हम खड़े हो रहे हैं, ना वोट की बात कर रहे हैं। हम तो आम जनता से पैदा हुए हैं, आम जनता की बात सामने रख रहे हैं, सरकार के सामने। अगर उन्होंने नहीं सुनी तो कैसे सुना है, बताइए। नहीं, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना अजय भाई, सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि डीएनडी आप खुलवाएं ना खुलवाएं, ये आपका एक सोचना है, आपके पास संख्या बल है, आप जो फैसला करें सरकारों और आपके बीच में है। मैं सवाल बड़ा सीधा पूछता हूँ, आप भारतीय किसान यूनियन के गौतम बुद्ध नगर के प्रतिनिधि हैं, आप कह रहे हैं कि डीएनडी को टोल फ्री करेंगे किसानों के हित में। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि डीएनडी को कितने परसेंट किसान यूज करते हैं, एक दिन में किसानों की कितनी गाड़ियां निकलती हैं वहां से? मैं तो कह रहा हूं कि मेरे ख्याल से 25% किसान यूज करते हैं डीएनडी को, अभी भी करते हैं किसान। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब 25% लोग वहां से इस्तेमाल करते हैं तो आप 75% लोगों का अनदेखी करके पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेंगे, जिसके लिए वाजपेयी जी कह रहे हैं कि आप कानून को हाथ में लेते हैं। फोन कट गया है, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है अमिताभ अग्निहोत्री जी कि जब मैं सवाल तल्ख पूछता हूं भले ही मुस्कुरा के पूछूं, फोन या तो कट जाता है या तकनीक हमारा साथ छोड़ देती है। देखिए, मुझे लगता है जो पूरा प्रकरण है, हाँ, इसमें दो बातें मुझे साथ दिखाई देती, एक साथ बराबर महत्व की। एक, लॉलेसनेस की अनुमति किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई हो। वो नारा मुझे कभी ठीक नहीं लगा, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ। सिस्टम ही नहीं चल सकता अगर आप ये नारा लगाएंगे चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। हाँ। आप ये कहिए कि हमारी मांगे जरूरी है वो पूरी हो, वहां तक तो मैं मेरी समझ में आती बात। इस बात से आज कोई इनकार नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में जहां बेहतर हाईवेज बने, जहां बढ़िया रोड्स बने, फ्लाईओवर्स बने, वो सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ही बने। सरकारें मनरेगा में पैसा दें, किसान को बिजली पानी मुफ्त देने में पैसा दें, यूरिया पर सब्सिडी में पैसा दें, प्राइमरी स्कूल के मास्टर की तनख्वाह और सिपाही की तनख्वाह में पैसा दें, या फ्लाईओवर बनाए। हाँ, क्या करें। हाँ, ये भी तय करना होगा। तो जब सरकारों के पास पैसा नहीं, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की का दबाव ज्यादा होता है उनको देखने के लिए, तो फिर विकास की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में जाएगा। और जब प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप मोड होगा तो कोई रहेजा, कोई मित्तल, कोई जिंदल, कोई बिंदल, कोई गौड़ जो भी बनाएगा, हाँ, वो धर्मार्थ तो नहीं काम कर रहा ना, वो प्रॉफिट लेगा। अगर कोई आदमी 26,000 करोड़, 30,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए लगा रहा है, मान लीजिए हम यमुना एक्सप्रेसवे का उदाहरण लें, अगर एक चीज बनाई है उन्होंने तो स्वाभाविक है मुनाफे के लिए बनाई होगी, वरना जयप्रकाश गौड़ कोई गांधी जी से प्रेरणा प्राप्त करके तो बनाने आए नहीं थे। वो धर्मार्थ काम, कोई धर्मशाला भी नहीं बनाई खोली उन्होंने उस पूरे पर। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक हाईवे बना दिया और कहा भाई इस पर चलिए, इस पर अधिकार हमको रहे इतने वर्षों तक। सरकार वचनबद्ध होती है उनके लिए, सरकार का कमिटमेंट होता है भाई, सरकार का इकबाल खत्म होता है अगर हुकूमतें उत्तर प्रदेश किसी के साथ हस्ताक्षर करे कि ये व्यवस्था लागू रहेगी और बाद में वो किसी कारण से कोई समूह आकर उस व्यवस्था को पलट दे, ये ठीक नहीं। हाँ, मुन्ना सिंह चौहान जो बात कह रहे हैं उस बात से मैं 100% सहमत हूं। हाँ। आपको सर्विस लेन पर पहले सोचना चाहिए था, बाकी काम बाद का था। और मैं इस बात को भी उठाऊंगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में घालमेल गोलमाल भी बहुत हुआ। हाँ। वो इसलिए हुआ कि आपको उस हाईवे को बनाने के लिए के एवज में जहां उस पर 35 साल से लेकर 90 साल तक का अधिकार पत्र मिलता है वसूली का, और वहीं आपको तमाम कीमती जमीन भी दे दी जाती है। हाँ। अलग से। हाँ, जहां आप अपना नगर की नगर बसाते जाते हो, वो जमीन देने पर भी संघर्ष होता है। हाँ, अब लोग ये कहते हैं कि जमीन देते वक्त ही खेल हो जाता है, जो भी मिठाई का आदान प्रदान है पारस्परिक, वो जमीन देते समय हो जाता है।
ग्रेटर नोएडा में बना यमुना एक्सप्रेसवे और जयप्रकाश को 1200 एकड़ नोएडा में जमीन दे दी जेपी को, भाई किस लिए दे दी? बेचो खाओ, आपके घर की जमीन थी नहीं थी ना? ग्रेटर नोएडा से लेके और वहां आगरा तक जगह जगह किसान धरने पर क्यों बैठे? एक वाजिब अमाउंट तय करिए, व्यवसाय के हिसाब से उनका भी घाटा नहीं हो लेकिन लूट भी नहीं हो। सरकारी जमीन की या निजी जमीन की लूट भी नहीं हो सकती। सरकार प्रॉपर्टी डीलर की तरह से जब अधिग्रहण करके किसी प्राइवेट फर्म को देती है जमीन, तो किसान का आंदोलन करना जायज हो जाता है। और तीसरी बात मैं कहूंगा, ये भी देखा जाना चाहिए कि कितना पैसा जायज है। ये डीएनडी फ्लाईओवर, इसके ओनरशिप जिस कंपनी के पास है, वो कंपनी नोएडा विकास प्राधिकरण की नहीं सुनती, वो कंपनी कलेक्टर की नहीं सुनती, वो कंपनी जनता की नहीं सुनती अपने मन से। जबकि एमओयू जो साइन हुआ था नोएडा विकास प्राधिकरण के साथ, उसमें था कि जब भी टोल की दरें तय होंगी तो उसमें नोएडा विकास प्राधिकरण की से अंतिम होगी, और वो उसको मानने को तैयार नहीं होते। ये तो लूट नहीं चल सकती। आप जब चाहो तो 60 रुपया कर दो गाड़ी का, जब चाहो तो 90 रुपया कर दो, जब चाहो तो 100 रुपया कर दो। ऐसा कोई पेरिस तो बना नहीं दिया अभी गजरौला और सहारनपुर को आपने, कि वहां इतना इतना पैसा वसूल है, एक टोल पर कुछ रेट, दूसरे टोल पर कुछ रेट, और टोल में भी ऐसे ऐसे पराक्रमी कि मारपीट करने पर आमादा। तो ये सब व्यवस्थाएं सरकार को देखनी चाहिए। और मेरी पीड़ा ये है, अशोक वाजपेयी जी बहुत सीजेंड पॉलिटिशियन है, समाजवादी पार्टी के बहुत भद्र राजनेताओं में से एक। मैं अशोक जी से कहूंगा, मुलायम सिंह जी को कहिए, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। ठीक बात है, लॉलेसनेस पर तटस्थ नहीं होना चाहिए। अगर किसान जायज कह रहे हैं तो इस ठंड में उनको धरने से उठाइए, आप जाइए और मुलायम सिंह यादव को ले जाइए और किसानों के पक्ष में घोषणा करिए और उनको हटाइए वहां से। क्यों ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया? और अगर गलत कह रहे हैं तो उनको जाइए, प्यार से समझाइए, बुझाइए और घर भेजिए। ये सड़क पर नहीं होना चाहिए जो कुछ हो रहा है जी। ये कैसी किसानों की सरकार है जी? आप सोए ब्लोअर चला के, हीटर चला के, और किसान मरे ठंड में, और ये किसानों की सरकार कहे हम इसको? नहीं, अजीत सिंह जी की पार्टी के नेता मुन्ना सिंह चौहान, दर्द इनको भी बहुत है किसानों का, लेकिन पश्चिम की तस्वीर नहीं बदली। अजीत सिंह जी हर सरकार में हिस्सेदार रहे जी, तकदीर नहीं बदली, तस्वीर नहीं बदली, हर सरकार में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका रही लंबे समय तक जी। तो बस कहां कौन किसान के साथ खड़ा है मुझे बताएं जी। सवाल नहीं, नहीं, नहीं। मुन्ना सिंह जी, संपादकीय टिप्पणी के बाद हमारे जो मेहमान विशेषज्ञ हैं उनका बोलने का हक होता नहीं है बेसिकली, और आज हम वक्त भी हमारा थोड़ा सा तकनीकी खामियों की वजह से काफी आगे निकल गया है, तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अमिताभ जी आप बने रहेंगे। सवाल अखिलेश जी की सरकार के सामने सिर्फ इतना सा है कि अगर किसान सही कर रहे हैं तो उनके समर्थन में सामने आइए, अगर किसान गलत कर रहे हैं तो उन्हें समझाइए, ना समझें तो जो आपका सरकारी तरीका है वो अख्तियार कीजिए। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कोई भी करे वो नहीं होना चाहिए, यह हमारा संपादकीय पक्ष है। एक ब्रेक, उसके बाद उत्तराखंड की खबर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। उत्तराखंड सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में ही किसानों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं, सैनिक कल्याण व दैवीय आपदा वाले क्षेत्रों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गन्ना किसानों को 138 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज प्राध्यापकों की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा चयन आयोग स्थापित कर लगभग 850 प्राध्यापकों की भर्ती करने का सरकार ने निर्णय लिया है। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की नई भर्ती अब ब्लॉक कैडर के आधार पर होगी। डिग्री अध्यापकों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। पीपीपी मोड पर पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें 50% एससी वर्ग के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा 5 नए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की सुविधा। सरकार ने सैनिकों के प्रति सम्मान देते हुए सैनिक विधवाओं की पुत्री के विवाह के लिए सहायता राशि को
20,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए किया है। राजकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग में आवेदन की आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगार सह कौशल विकास भत्ता योजना को नवंबर माह से लागू करने का प्रावधान किया है। उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार प्रदेश के हर घर में विकास की योजनाओं को पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा